ये लीजिए जनाब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको पता कैसे चल जाता है कि मुझे इसमें काफी की शिद्दत से ख्वाहिश हो रही है? आपके बीवियों जनाब, 8 साल का साथ है हमारा, और मुझे अब आपकी ख्वाहिशात का पता नहीं चलेगा तो फिर कब चलेगा? शुक्रिया किंजा, तुमने मेरी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया। हमारा रिश्ता ही ऐसा है, हमें एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। घर एक जन्नत होता है, और आपको पता है मोहब्बत और खुलूस से मिलकर ही घर जन्नत बनता है। अब तो मुझे इस बात का ना 100% यकीन हो गया। हमें अपने बच्चों की एजुकेशन पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, खासकर लड़कियों की। आपकी बातों में आज बड़ी तालीम नजर आ रही है। जनाब सिर्फ तालीम ही नहीं, मेरे माँ बाप की तरबियत भी है। आपको पता है तालीम और तरबियत का एक बाहम रिश्ता है। अगर इन दोनों में से किसी एक चीज की भी कमी रह जाए ना, तो इंसान अधूरा रह जाता है। क्या बात है आपकी, क्या बात है। Are you okay? आप मुझसे मुझे सरप्राइज कर रहे हैं, बिल्कुल फिलोसोफर की तरह बातें कर रही हैं। मैं तो एक लम्हा हो ही गया। I'm sorry, मैंने कभी आपकी बात पे गौर ही नहीं की। जरूर, बहुत से लोगों की तादाद है जो इन बातों पर कभी गौर ही नहीं करते, और उनकी कामयाबी के पीछे इन्हीं दोनों चीजों का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। क्या बात है आपकी भाई, आज तो मजा दोबाला हो गया। एक तो आपकी कॉफी हमेशा की तरह लुत्फ दे रही है, और दूसरा आपकी बातें काफी इंप्रेस किया मुझे। यही तो आपकी बात अच्छी है कि आप मेरी बातों पर तवज्जो तो देते हैं। कुछ नसीब मुमकिन सर, तो मेरी बीवी तुमसे बहुत मोहब्बत कर। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ सरकुम। आपने मुझे एक महफूज घर दिया, और इस घर को जन्नत तुमने बनाया। नहीं, अभी इस घर में एक औलाद की कमी है। 8 साल हो गए, मैं आपको औलाद ही नहीं दे पाई। इधर आओ, इधर आओ प्लीज, इधर। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सब तो घरवाले के फैसले हैं। किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को दोनों देता है, और किसी को औलाद की नेमत से महरूम कर दे। जरूर, कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, तो हमारी दुआ में असर क्यों नहीं? मैं जानता हूं तुम औलाद के मामले में बहुत हसास हो। हमने बहुत कोशिश की, मगर कुछ फैसले आपके अपने हाथ में नहीं होते। अगर तुम चाहो तो हम बच्चा गोद में ले सकते हैं। नहीं नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं अपना बच्चा पैदा करूं, मैं उसे दूध पिलाऊं, वो मेरे सीने के साथ चिमटा। मैं अपनी ममता महसूस करना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ अपना बच्चा ही पैदा करूंगी, कोई और नहीं। मूड ठीक कर लो, अब लॉन्ग ड्राइव पे चलो। पता नहीं, मैं बच्चों के मामले में इतनी हसास क्यों। सबको औलाद चाहिए,
सब कुछ की जरूरत है, अगर कहीं तो हमें पता चलेगा ना, हमारी भी एक हद है और हद के आगे हम बेबस हैं। जल्दी से तैयार हो जाए, आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। ओके, मैं चेंज कर रहा हूं। अब आ सुनो, थोड़ा मेकअप भी कर लेना। रोनी सूरत वालों को रेस्टोरेंट वाले अंदर नहीं घुसने देते। अच्छा, आप भी अपना हुलिया जरा दुरुस्त कर लें। ऐसे हुलिया वालों को रेस्टोरेंट वाले धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। चलो कोशिश करते हैं इस थोबड़े को ठीक करने की। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, प्लीज प्लीज मेरे हाथ। किंजा मैं डॉक्टर हूँ, इसे मैं अपने घर ले चलता हूँ। किंजा तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और तुम्हारा मोबाइल नंबर भी बन जा रहा था। तमो बाबा कनाडा चले गए तो मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, अभी तुम्हें अचानक यहाँ देख के मैं बहुत हैरान हूँ। हम बातें बाद में कर लेंगे, पहले सर तुमका ट्रीटमेंट करवा दूँ। मेरे सर उनके अलावा दुनिया में कोई नहीं। तुम परेशान मत हो, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुमसे मिलकर बहुत हौसला मिला। हौसला रखो किंजा, तुम तो कॉलेज में बहादुर हुआ करती थी, अब तुम्हें क्या हुआ है? मैं जरकून से बहुत प्यार करती हूँ। अफसोस ये मोहब्बत मेरे हिस्से में नहीं आई। क्या मतलब? जरकून खुशकिस्मत है जिसके हिस्से में तुम्हारी मोहब्बत आई। जरकून ठीक तो हो जाएगा ना, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? इसका खून बहुत बह गया है जिसकी वजह से इसे कमजोरी है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। मैं तुम्हारी बहुत एहसान मंद हूँ डॉक्टर आकिब। ये मेरी खुशकिस्मती है जो मैं तुम्हारे काम आया, और तुम मुझे डॉक्टर नहीं कहा करो, आकिब कहा करो जैसे कॉलेज में कहा करती थी। हाँ मगर तुम उस टाइम डॉक्टर नहीं थे ना, अब तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर की रिस्पेक्ट होती है। दोस्त को नो थैंक्स नो सॉरी। इस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जरकून की फिक्र हो रही। ये मेरा रोज का रास्ता है, पर आज पता नहीं कैसे ये वाकया हो गया। क्या कह सकते हैं, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था। शायद किस्मत हमें फिर से मिलाना चाह रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। गुड मॉर्निंग किंजा। वाकई आज की मॉर्निंग तो वाकई गुड है। ब्रेकफास्ट किया है तुमने? नहीं मेरा मूड नहीं। कॉफी तो पियोगी ना? नाइस कॉफी। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? क्यों परेशान क्यों हो? पता नहीं मैं आज तक माँ क्यों नहीं बन सकी, जबकि मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। अच्छा तो फिर जरगून में कुछ कमी होगी। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द माँ बना दूंगा। What do you mean? मैंने जरगून के सारे टेस्ट करवा लिए, जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी मैं तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी सुना दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हो। वो आप सरप्राइज ही रहने में।
पहले मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊं कि आप हिल जाएं, तो आप मुझे क्या इनाम देंगे? सब कुछ तुम्हारा है, क्या बात? ये सब डॉक्टर आकिब का कमाल है। बहुत अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक बहुत काबिल डॉक्टर भी है। कुछ ज्यादा ही डॉक्टर आकिब की दीवानी हुई। ठीक है, उसने मेरी जान बचाई, मेरी खिदमत की, मेरा इलाज किया, मगर ये एक डॉक्टर का फर्ज होता है। ये मुझे पता है कि उसके मुझ पर क्या एहसान है। क्या एहसानात किए? वो तुम्हारा कॉलेज फेलो था ना, तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुमसे मोहब्बत करता है। जैसे एक बार मोहब्बत हो जाए ना तो पूरी जिंदगी रहती है। उसे मुझसे जुनून की हद तक प्यार और मैं किसी और की तलाश में थी और मेरी तलाश थे आप। इसने गुण क्यों गा रही हो उसके? क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे माँ बनाएगा और उसने अपना वादा पूरा कर दिया। ये मेरी रिपोर्ट देखे ना, आपको पता है मैं माँ बन जाऊंगी। जो मेरी इतने अरसे की ख्वाहिशात थी अब वो सब पूरी हुई। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कल डॉक्टर आकिब के लिए खाना बना लूं अपने हाथों से। मुझे क्या पता, तो अभी थक सकते हैं। तुमने जो करना है कर। ठीक है, मैं उनको कल के लिए कॉल कर कर Thank you.
जाओ। पता है बहुत देर कर दी तुमने आने में, कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अपनी वफादार बीवी पे शक किया, उस बच्चे का कातिल जो मैं दुनिया में मिली है। मोसिर का नाम, मोसिर का खातिर उसने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर देना किंसा, वो वफा से निकले दे कब जर संगल जमा क्या चल निकला। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं जीने का मुझे।